हेलो हेलो। डाक व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से भारत की रही है, लेकिन अपने पुराने धरोहरों को याद करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं लोग कि 250 साल पहले वो आज रात के प्रोग्राम में सम्मिलित होकर आपको कैसा लग रहा है? बढ़िया लगा अपने पुराने धरोहर को और भी आगे बढ़ाने के क्रम में, क्योंकि डाक व्यवस्था बहुत प्राचीन काल से भारत की रही है। डाक व्यवस्था एक समय था जब पैदल थे, घोड़ा था, फिर उसके बाद ऊँट हुए, धीरे धीरे टेक्नोलॉजी बढ़ी, आज यहाँ तक आ गए हैं कि हम लोग सेटेलाइट सिस्टम से, हवाई टिकट से आ गए हैं। लेकिन अपने पुराने धरोहरों को याद करते हुए बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं लोग कि 250 साल पहले वो बिहार था, जो भी पटना जो अजीमाबाद था, वहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और बड़ी काफ़ी खुशी हुई अब वो उस समय की टेक्नोलॉजी को देख कर, उस समय से लेकर आज हम लोग 5G की टेक्नोलॉजी में आ गए, कितना संघर्ष किए होंगे हम लोग, बहुत अच्छा लगा। सवाल ये है, जो चीज़ हम लोग पढ़ा करते थे और कबूतर के जरिए मैसेज पहुंचाना, आज कबूतर उड़ाकर मैसेज पहुंचाया गया, पोस्ट ऑफिस तो डाक विभाग का इतिहास बहुत पुराना रहा है, जिसमें कबूतर उस समय के बहुत सारे युद्ध की स्थिति में जहां डाक लोग नहीं पहुंच पाते थे, वैसे परिस्थितियों में भी कबूतर बहुत पहुंचाते थे। तो आज तो हम लोग हाथ से उड़ा के देखे, जो पटना सिटी पोस्ट ऑफिस कटरा बाजार पोस्ट ऑफिस तक वो पहुँचेगा यहाँ पर। और काफ़ी ताज्जुब लगा कि जब हम लोग कबूतर को उड़ाएँ तो स्टार्टिंग में वो इधर उधर गया, बट एक सर्टेन हाइट पे जाके सारे एक डायरेक्शन में चले गए यहाँ पे। तो ये काफ़ी भारत की पुरानी टेक्नोलॉजी ही रही है यहाँ पे। और डाक विभाग जब हमारे यहाँ 1857 की क्रांति हुई थी, तो अंग्रेजों ने ये सोचा था कि डाक विभाग को खूब सुचारू करेंगे ताकि वो संदेश अपनी सेना की कमांड सेंटर को पहुंचा सके, उसका उपयोग हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने कर लिया। तो डाक विभाग का काफ़ी योगदान है हमारी स्वतंत्रता के उस जर्नी में भी। और ख़ास करके अभी देखिएगा, जहां बैंकिंग सेक्टर में लोगों की लाइन लगी हुई है, बैंक में लोग धड़ल्ले से जा रहे हैं, फिर भी बैंक लॉस में है, जबकि पोस्ट ऑफिस में भीड़ नहीं है, फिर भी पोस्ट ऑफिस लॉस में नहीं है। तो एक ये भी मॉडल है पोस्ट ऑफिस का कि कैसे इस चीज़ को सस्टेनेबल ले जाया जा सकता है। आज भी गांव के अंतिम कनेक्टिविटी अगर कहीं है ना, तो पोस्ट ऑफिस की है, लास्ट माइल कनेक्टिविटी, चाहे आज चाहे जितना भी टेक्नोलॉजी चली जाए। तो बहुत सारा इसका योगदान रहा है। आज भी जैसे हम लोग तो पढ़ाते हैं और जिन बच्चों का रिजल्ट हो जाता है वो भी इंतजार करते हैं आपके डाक विभाग का कि ज्वाइनिंग लेटर कब लेके आएंगे यहाँ पे। और जब ज्वाइनिंग लेटर लेके आते हैं तो उससे बड़ी खुशी उन लोग के लिए, एक विद्यार्थी जीवन में और क्या ही हो सकती है यहाँ पे। तो यही सब एक 250 साल पुराना रहा है। और हम तो यही कहेंगे कि भारत भले कंट्रोल हो रहा है नई दिल्ली से, लेकिन अखंड भारत कंट्रोल होता था तो पाटलिपुत्रा से, यहीं से कंट्रोल हुआ है। और 250 साल पुराना ये जो ताम्र टिकट है, जो इस बात का वो द्योतक है कि हम लोग उस समय हमारी टेक्नोलॉजी कितनी बेहतर हुआ करती थी। एक्सपीरियंस कैसा रहा कबूतर के द्वारा पोस्ट भेजकर? आप सवाल भी पूछ रहे थे क्या ये वापस इसी जगह आएगा, क्या लग रहा था कि? मेरे लिए तो एकदम नया था ये सर, डाक विभाग आप लोग के लिए तो खैर ये सब चीज़ें एक तो रोजमर्रा की चीज़ें हैं और चीज़ें आप लोग के लिए टेक्नोलॉजी हो गई। हम तो पहले बस फिल्में और गाने में देखे थे, मतलब कबूतर से संदेश दिया जाता था, आज हमने खुद अपने हाथ से उड़ा के देखा, काफी अच्छा लगा। और आज के बारे में भी बिल्कुल अच्छा जानते हैं। आज भी उड़ीसा पुलिस की ट्रेनिंग सेंटर है डाक विभाग के साथ में कटक में, जहाँ पे पीएन को ट्रेनिंग दी जाती है, आज भी ट्रेनिंग दी जाती है। जैसे आज भी कई आर्मी सेंटर पे लेटर लेके जाते हैं, तो उड़ीसा पुलिस और डाक विभाग के सौजन्य से आज भी पीएन का ट्रेनिंग सेंटर बना हुआ है। सही है ये चीज़ें। टेक्नोलॉजी देखिए, टेक्नोलॉजी आगे बढ़ते रहना चाहिए, लेकिन धरोहर को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ पे हमारा वो धरोहर रहा है और उसी धरोहर को याद करते हुए आज यहाँ के चीफ पीएम पोस्ट मास्टर जनरल ने आज पुनः उसको जीवंत किया उसको। और हमारे लिए तो पोस्ट ऑफिस का बहुत योगदान रहता है, हमें हर मंथ मेरे लिए अभी हम लोग जारी करते रहता है पोस्ट। 250 वर्ष पूरा हुआ है। इस ऐतिहासिक दिन पर क्या कहेंगे डाक विभाग अपने चीज़ों को? और अब देखिए, डाक विभाग जब अपने समय में था तो बहुत सराहनीय काम किया, अब थोड़ा और टेक्नोलॉजी के साथ जैसे ये अलाइन हो रहे हैं और बेहतर टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और इस चीज़ को और सुचारू आगे रख से करते रहें, बस ये है। अब तो टेक्नोलॉजी को बस इंट्रोड्यूस करना है उसमें और बेहतर ढंग से। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबू जी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं।
घर वापसी की खुशी। पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।